दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती, तो दोस्तों सुबह वीडियो हमने आप लोगों को प्रदान कर दिया था, तो अब यहाँ पर फुल एडवर्टिजमेंट यानी कि विस्तृत जो विज्ञापन है, इसमें क्या आपकी एज रहने वाली है, आयु क्या रहने वाली है, फीस क्या रहेगी, पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको क्या करना है, सिलेबस क्या रहेगा, संपूर्ण डिटेल्स का जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो पद हैं 3678 हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका वेतनमान है दोस्तों, आपको परिवीक्षा काल में 12,400 रुपये, यानी 2 साल जो प्रोबेशन है उसमें 2 साल तक आपको ये सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। आवेदन से पहले आपको समस्त नियमों को ध्यान से पढ़ लेना है, विस्तृत जो विज्ञापन है उसका ध्यान भी रखना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, आपके रिक्तियों की संख्या व आरक्षण, ठीक है। तो रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 3678 है और ये यहाँ पर दिया गया है TSP एरिया के बारे में, संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। महिलाओं के संदर्भ में तो महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। महिला भी इसमें आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्स कोटा भी इसमें दिया गया है। स्पोर्ट्स कोटे में आपके पास ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, या जो आपको व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में पदक या मेडल लाना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके रिजर्वेशन की बात। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो 10वीं पास अगर आप हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान तो ये सभी को है, ठीक है। 10वीं पास इसमें आपकी योग्यता रखी गई है। शारीरिक उपयुक्तता, तो आपका अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक रूप से स्वस्थ आप होने चाहिए, ठीक है। ये स्वास्थ्य के बारे में दी गई है। और ऑल इंडिया वैकेंसी यानी भारत के किसी भी राज्य के महिला और पुरुष उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एज के बारे में, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, तो 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष, ठीक है। इसके मध्य आपकी एज होनी चाहिए, मैंने सुबह भी बता दिया था, एज 18 से लेकर 40 वर्ष रहेगी। और चपरासी की ये वैकेंसी है, चतुर्थ श्रेणी फोर्थ क्लास की। अब देखिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला हैं उनको 10 साल की यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। आप देखिए यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं SC के, ST के, OBC के, MBC के, उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी छूट के बारे में, जो ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है दोस्तों, उससे पहले आप फीस यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क, तो यहाँ पर देखिए, सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये है, ठीक है। और SC, ST, विधवा परित्यक्ता, इनके लिए है 100 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ पर 100 रुपये तो SC, ST, विधवा परित्यक्ता, दिव्यांगजन, PH के लिए, और बाकी के लिए है 150 रुपये आपको शुल्क देना है। अब देखिए दोस्तों, जो पहले आवेदन कर चुके हैं 2017 में जो वैकेंसी आई थी, और 8 फरवरी 2018 के जो क्रम में अगर आपने आवेदन किया था या परीक्षा शुल्क जमा कराया है, ऐसे आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क देनी है, यानी कि आपको एग्जाम फीस नहीं देनी है। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की जो 2309 पदों की भर्ती थी 2017 की, जिसके 18 में फॉर्म भरवाए गए थे, 2309 पदों के लिए अगर आपने आवेदन कर रखा है तो आपको यहाँ पर फीस का भुगतान नहीं करना है। यदि कोई आवेदक जिसने पूर्व भर्ती 2017 हेतु आवेदन नहीं किया था, वह उक्त पूर्व भर्ती के किसी अन्य आवेदक की एप्लीकेशन ID के आधार पर परीक्षा शुल्क बचाने या अन्य लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है, तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थता बिना सूचना के निरस्त कर दी जाएगी, वह आपराधिक अभियोजन भी हेतु भी दायी होगा। यानी कि जो पहले आवेदन कर चुके थे, अगर उनकी एप्लीकेशन ID के आधार पर आप अगर फीस बचाने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर फीस, आपकी जो उम्मीदवारी है, रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा शुल्क की वापसी, परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। तो पिछली बार जिन्होंने आवेदन कर दिया था, उन्हें फीस यहाँ पर देने की आवश्यकता
नहीं है। अब नियुक्ति के लिए निहर्ताएं डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब सिलेबस देखिए दोस्तों, अब सिलेबस आपका होगा लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू, तो 85 अंकों की लिखित परीक्षा प्लस 15 का इंटरव्यू यहाँ पर जोड़ा गया है, ठीक है। अब लिखित परीक्षा कितने दिन घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, जिसमें मैट्रिक स्टैंडर्ड के होंगे सामान्य हिंदी अंग्रेजी और आपके राजस्थान की संस्कृति व बोलियाँ, ठीक है। तो हिंदी अंग्रेजी और राजस्थान की संस्कृति और बोलियाँ होंगी इसमें 85 मार्क्स की, ठीक है। और 15 अंक का आपको मिलेगा यहाँ पर इंटरव्यू, 15 अंकों का इंटरव्यू यहाँ पर कराया जाएगा। लिखित परीक्षा में 85% केवल 1 अंक के होंगे, 1-1 अंक के होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, राजस्थान की संस्कृति व बोलियाँ, तो क्रम से तो 40 नंबर की आपकी आएगी हिंदी आएगी, 25 नंबर की आपकी आएगी अंग्रेजी और 20 नंबर के होंगे राजस्थान की संस्कृति है भाषाओं के होंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा OMR यानी कि ऑफलाइन इसमें पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जो आपके अंक आएंगे उनको 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लें, 5 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा, तो चयन के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि 85 प्लस 15 100 अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी फाइनल, और उसके आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्पष्टीकरण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यानी किसी अभ्यर्थी के अगर यहाँ पर 80 नंबर मान लीजिए पेपर में हैं, 10 नंबर इंटरव्यू में हैं, और यहाँ पर फिर 90 आपके हो गए, किसी के 90 हैं, तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें जिनके इंटरव्यू में ज़्यादा हैं उनको यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में भी अगर बराबर नंबर हैं, किसी के 90-90 हैं, इंटरव्यू में भी सेम थे और यहाँ पर लिखित में भी सेम थे, तो जिनकी एज ज़्यादा होगी उनको यहाँ पर लिया जाएगा। आप देखिए अर्हता अंक यानी क्वालिफाइंग मार्क्स, तो साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में 34 और बाकी को 38 नंबर यहाँ पर लाने हैं, ठीक है। तो 34 नंबर आपको लिखित परीक्षा में लाने हैं, किनको, SC को, ST को और PH कैंडिडेट्स को, बाकी EWS, MBC, OBC को, जनरल को यहाँ पर 38 अंक प्राप्त करने होंगे। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्या पॉइंट दिया गया है, चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति यानी कि SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार कुल 40 अंक और अन्य श्रेणी के लिए 45 अंक। यानी कि दोस्तों देखिए पेपर में तो आपको लाने हैं SC ST और PH को 34 अंक और बाकी जो कैटेगरी हैं उनको 38 अंक, और आपका चयन किस आधार पर होगा, यानी कि आपने पेपर में तो लिए हैं, यानी कि जैसे पेपर में लिए आपने 36 अंक, ठीक है, अगर SC की हम बात करें, और इंटरव्यू में आए आपके जैसे 3 अंक, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए इंटरव्यू प्लस लिखित में 40 और बाकी कैटेगरी के लिए 45 अंक। अब यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो आपको बाद में प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर संधि समास मुहावरे पर्यायवाची काल शुद्धि लोकार्थी समानार्थी, ये जनरल इंग्लिश में टेंसेज आर्टिकल पेसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल्स रिक्वेस्ट परमिशन प्रोबेबिलिटी ये सिनेनम सेनेटम्स वन वर्ड जेंडर ये आपका पूछा जाएगा। राजस्थान की जो कल्चर एंड इसमें डायलेट्स में है, देखिए यहाँ पर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थानी पहना, वेशभूषा, मेले, त्यौहार ये पूछा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 18 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 17 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि रहेगी, ठीक है। तो आवेदन की अंतिम डेट से पहले आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ इसमें दी गई हैं, लिखित परीक्षा का माह और दिनांक, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है, आवश्यकता होने पर उपखंड और तहसील मुख्यालयों पर इसकी एग्जाम करवाई जा सकती है। आवेदक जिला मुख्यालयों के लिए 3 जिला मुख्यालयों का चयन, आपको 3 यहाँ पर सेंटर्स लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं जिले, उनमें आपका एग्जाम सेंटर्स दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम डेट भी बहुत जल्द यहाँ पर बता दी जाएगी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, तमाम जानकारी दी गई है डिटेल्ड नोटिफिकेशन में। तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप फ़ोन कॉल करके पता कर सकते हैं। और इस तरीके से ये सीटों की संख्या दी गई है दोस्तों, 11 अनुसूचित क्षेत्र जिला न्यायालयों में
अजमेर में देखिए 217 हैं, अलवर 162, बालोतरा 114। तो इस तरीके से तमाम जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों चाहे सेशन कोर्ट्स हों, तमाम में इनकी आपकी वैकेंसियों की संख्या कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ज़रूर आप इसमें आवेदन करें, ठीक है। और जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।